मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। फ्यूचर टेंस के चार पार्ट्स होते हैं, कंटिन्यूस टेंस, सिंपल, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यकाल, जो आने वाला कल है उसके बारे में जो है ये टेंस है, ये काल है। और इसके जो हैं तीन चार उदाहरण से इसको समझेंगे। चलिए पहला करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि भविष्य में कोई कार्य जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियां बहाना बना रही होंगी। अब इसमें मुख्य पॉइंट है रही होंगी, तो फ्यूचर में ये होता है। अब इसका पहला देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। वह स्कूल जा रहा होगा, तो वह के लिए होता है ही और स्कूल जा रहा होगा। फिर उसका जो फॉर्मूला है देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल शाल, विल यानी रहा होगा। बी वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और आईएनजी रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। अब स्कूल, वह पहले का जो है ट्रांसलेशन बता रहे हैं, वह स्कूल जा रहा होगा तो ही विल बी गोइंग, गो का फर्स्ट फॉर्म लगा गो और आई एन जी गोइंग टू स्कूल। सेकेंडली, मैदान में स्कूल के लड़के क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो द बॉयज ऑफ द स्कूल विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। प्लेइंग, प्ले का आई एन जी फॉर्म में प्लेइंग होता है। थर्ड, स्टेज पर मेरा भाई गाना गा रहा होगा। माई ब्रदर विल बी सिंगिंग, सिंग जो है सिंग का फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी, अ सॉन्ग ऑन द स्टेज यानी स्टेज पर। फोर्थ, वह बाजार में सब्जी बेच रहा होगा। ही विल बी सेलिंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। अब आता है नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव के लिए नॉट का प्रयोग करना है। इसका फॉर्मूला आपको बता दें कि सब्जेक्ट होगा और विल शाल नॉट बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट होगा। तो आता है इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस में, पहला है माताजी खाना नहीं बना रही होंगी, तो इसका ट्रांसलेशन है द मदर विल नॉट बी कुकिंग द फूड, विल नॉट बी। सेकेंड, हम कल दिल्ली नहीं जा रहे होंगे, तो हम के लिए वी होता है, वी शाल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो। थर्ड है, मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा, आई शाल नॉट बी ईटिंग द फूड एट द टाइम। फोर, वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्लेइंग इन द क्रिकेट इन द ग्राउंड। द क्लाउड्स, एक और उदाहरण, द क्लाउड्स विल नॉट बी फ्लोटिंग इन द एयर। अब नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव में जब वाक्य के शुरू में क्या हो, तो शुरू में क्या आया है, क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा, क्या गेंद फेंक रहा होगा, क्या कबाड़ी पुराना सामान खरीद रहा होगा, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी। हर वाक्य जो है वो क्या से शुरू होता है। अब इसका फॉर्मूला विल शाल, सब्जेक्ट बी वर्ब आई एन जी और ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन पहले का है कि विल बी द बॉय बी बाथिंग इन अ स्विमिंग पूल क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। थर्ड, विल द बॉलर बी थ्रोइंग द बॉल। विल द जंक डीलर बी परचेसिंग ओल्ड गुड्स। विल सुमन बी रीडिंग अ पोयम। तो ये होगा इंट्रोगेटिव। हाँ, अब ये आपने ये फ्यूचर के बारे में पढ़ा, इसमें रहा और रहा होगा। इस प्रकार विल और शाल का प्रयोग किस प्रकार किया है आप अच्छे से ध्यान से सुने, पढ़ें और अपनी नोटबुक में नोट करें। और पांच पांच भाग के होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको बना के लिखिए, अफर्मेटिव के भी, नेगेटिव के भी और इंट्रोगेटिव के भी। ठीक, थैंक यू।